गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भी आपका दोस्त दीपक सिंह वो छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ कंटेंट RHA और मेरा यूट्यूब चैनल जो निस्वार्थ है दीपक सिंह RHA। RHA मीन्स राइस हस्क ऐश, और ऐश का मतलब यहाँ पर इट इज़ नॉट ऐश लाइक अगरबत्ती धूपबत्ती जो आप कहते हैं, इट इज़ 90% एबव सिलिकॉन ऑक्साइड। और इसकी साइज आप देखें तो 26 माइक्रोन से भी कम, मतलब आप समझ सकते हैं कि जो काम कर रहे होंगे, जो अगल बगल रह रहे होंगे, उनकी नाक में कैसे जा रहा होगा और पेड़ पौधों पे कैसे जा रहा होगा, जानवरों में कैसे जा रहा होगा। यू कैन इमेजिन यूज़ सीमेंट में 10% मिलाकर इसको, इंटरनेट से हमें आइडिया मिलती है कि मिलाया जा सकता है, लेकिन आप ध्यान से अपने सीमेंट की बोरी पे देखें तो उसमें फ्लाई ऐश 30-35% चाहे कोई भी हो। मैंने तो 2007 में जब इसे बनाया तो बनाते वक्त तो मुझे मिला और 100% सीमेंट था, लेकिन ACC, लेकिन अब सभी को गवर्नमेंट ने कह दिया 30-35% फ्लाई ऐश मिलाओ जो कोयले वाली है, तो आप उसमें इसको कैसे मिलाएंगे। और यह शहर गाजीपुर के, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि यह शहर गाजीपुर के छत गाड़ियों पर कैसे आया, ये एक सोचने वाली बात है। मुझसे 2500 लोगों ने इस बात को कह रखा और कहीं ना कहीं मैं भी इसमें दोषी हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे मैंने लास्ट में जाना कि इसका इतना दुष्परिणाम होगा। और अभी भी समय है कि इसका कोई यूटिलाइजेशन खोजा जाए, और फैक्ट्री बंद करने की मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि एम्प्लॉयमेंट 72 का अपॉइंटमेंट लगभग कुछ मेरे ही हाथ से हो गया है गलती से, लेकिन ये है कि इसका हल आप सब लोग मिलके खोजें। और ये फैक्ट्री 100% भारत सरकार की है, अनुदान से है। कल एक मीडिया प्रभारी मिले थे तो वो बता रहे थे कि नहीं, सुखबीर जी की है, ऐसा कुछ नहीं है। ये फैक्ट्री कम्प्लीटली 100% 135 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो कहीं और लोकेट था, आ गया गाजीपुर में। आप प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करें, और ये 100% सब्सिडाइज्ड प्रोजेक्ट है जो मान लीजिए आपको मिल गया, और यहाँ 200 टन की राइस मिल है, 200 टन अगर ये कूटेंगे तो और राइस मिल वाले क्या करेंगे, दलाल बन जाएंगे। हैं मेरे नॉलेज में तो हैं, 2-4 हैं, लेकिन सर ये गलत है। अनुदान हर राइस मिलों को मिला है, और सवेरे का टाइम है, स्कूल में जाना भी है। मैं बहुत छोटा 3-4 मिनट का बनाने के लिए मैं बस इस पर्टिकुलर टॉपिक को कंटेंट RHA रख रहा हूँ, आप थोड़ा सा समझ लें, देख लें, समझ लें। और अपनी छतों पर भी आप देख के कन्फ्यूज़ ना हो, ये वही चीज़ है RHA राइस हस्क ऐश। और ये अगर नाक में घुसी तो फेफड़े में जाएगी, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगी, आई डोंट नो बायोलॉजी, लेकिन बट ये मैं जानता हूँ कि ये ख़तरनाक है। और ये अपशिष्ट है, इस किसी भी इंडस्ट्री का कुछ ना कुछ तो अपशिष्ट होता ही है, बिना अपशिष्ट के कोई इंडस्ट्री नहीं बनती। हाँ, आप अपशिष्ट को अगर हम यूटिलाइज कर ले जाते हैं तो हम बहुत अच्छा काम करते हैं। और यूटिलाइजेशन आज तक क्या हुआ, 2007 8 9 10 18 है आज, तो यूटिलाइजेशन की तरफ बढ़ें हम लोग, नहीं तो जनपद के लिए ही मैं ये काम कर रहा हूँ सर। और मेरा इनसे कोई झगड़ा नहीं है और ना ही कोई द्वेष है, मैं बस ये चाहता हूँ कि ये जो चीज़ फेंक रहे हैं कहीं ये करोड़ों की ना हो, इसको समझने की कोशिश करें। और गाजीपुर की जनता ही इसका बता सकती है इसको, और हमको नहीं लगता कि इनकी फैक्ट्री में कोई मैनेजमेंट का आदमी बता पाएगा, वो इंटरनेट तक ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो आप प्लीज़ आप अपना प्रैक्टिकल करिए और कुछ इसका निदान बता के इनको बताइए, नहीं तो ये उड़ाते रहेंगे और पैसा कमाते रहेंगे, हम जो अंदर हैं वो भी मरेंगे, जो बाहर हैं वो भी मरेंगे, और कुछ निश्चित है साल कुछ ना कुछ तो बीमारी होनी होनी है, क्योंकि 26 माइक्रोन आप किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए कि 26 माइक्रोन। मैं बाबा रामदेव जी को कहता हूँ कि आके यहाँ योगा कराएं, तो मैं देखता हूँ सांस खींचते हैं कितनी जाती है माइक्रोन इनके अंदर। तो प्लीज़
आप, मैं कोई उसमें द्वेष भावना से नहीं बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये चले और अच्छी चीज़ है गाजीपुर के लिए। गाजीपुर में बायोमास थर्मल पावर प्लांट ये हमारे लिए उपलब्धि है, और गलत मैंने इसमें काम किया तो मेरे लिए तो और अच्छी बात है। मैं सरदार जी का या किसी का विरोधी नहीं हूँ, और बस इसका यूटिलाइजेशन चाहता हूँ। सर मैं 9 से खोज रहा हूँ, 18 हो गए, 9 साल मुझे हुए, थोड़ा आप कोशिश करें। और मीडिया को भी मैंने बताया लेकिन उन्होंने भी कुछ मेरा साथ नहीं दिया, और थोड़ा सा अफसोस है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास अपना जारी रखूँगा। मेनी मेनी थैंक्स। दीपक सिंह, RHA।